अच्छा मुझे थोड़ा सा समझाए ना ये जो फ़ेक फॉलोअर्स होते हैं ये इनको ख़रीद लिया जाता है इसका दरअसल फ़ायदा क्या होता है रियल अकाउंट ट्वीट पर ये लाइक तक नहीं करते तो फिर उसके बाद में मतलब ये सिर्फ फॉलोइंग बढ़ाने के लिए होता है और मुझे ये बताइए कि ये सिलसिला होता कैसे है बिल्कुल जी ये बहुत बड़ी मार्केट होती है फेक फॉलोअर्स की और अगर आप ट्विटर पे देखें तो ट्विटर पे फ़ेक अकाउंट्स बनाना ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका जो है असली नाम इस्तेमाल करें आप अनॉनमस अकाउंट्स भी बना सकते हैं आराम से okay. और मल्टीपल अकाउंट्स भी अक्सर बनाए जाते हैं और इनका इस्तेमाल इस तरह किया जाता है कि एक तो जिस तरह आपने कहा कि फॉलोअर काउंट ज़्यादा करने के लिए तो आप देखेंगे जिसकी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं आपको इस तरह लगेगा कि ज़्यादा पॉपुलर और ज़्यादा जाने और माने है, जो है लीडर हैं अगर इनके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और दूसरा इनका जो है मकसद ये होता है कि अक्सर आप देखते हैं जो ट्विटर ट्रेंड्स होते हैं तो ट्रेंड करने के लिए भी फेक फॉलोअर्स का इस्तेमाल किया जाता okay. है ताकि एक टॉपिक जो है एक मौजू जो है अब ट्रेंडिंग पे ऊपर ले तो ये जो टॉप ट्रेंड्स होते हैं है है? है? है यानी फिर इनकी ऑथेंटिसिटी तो ना हुई बिल्कुल बिल्कुल अक्सर ट्रेंड्स का हमें जब एनालिसिस करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि इसमें इतने फ़ीसद जो है फेक या मेनिपलेटेड वो है और जो इंटरेस्टिंग बात है इसी साल जो है फेसबुक पर भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें इन इनऑथेंटिक बिहेवियर इसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स का नेटवर्क बन के इस तरह जिस तरह आपने कहा जो असली आ, जो आ, ऑर्गेनिक जो मूवमेंट होती है सोशल मीडिया है। पे वो नहीं लेकिन आर्टिफिशियल या आर्टिफिशियल जो है उसकी इंफॉर्मेशन या डिस कैंपेन की जाती है अक्सर जो है एक इम्प्रेशन बनाने के लिए कि मुल्क में आज ये हो रहा है लोग के लिए के लिए ये सोच रहे हैं या फिर ये इम्प्रेशन एक जो है उसको खराब करने के लिए अब बात भी मुकम्मल कीजिए और साथ में ये भी बताइएगा ए, एक तरफ तो ये कि ये जाली फॉलोअर्स इनको खरीदा जाता है दूसरी तरफ एक काम जहन में ये ख्याल आता है थोड़े ज्यादा पैसे दे दे वो फॉलो करने के अलावा कुछ लाइक या डिसलाइक भी कर देगा कॉमेंट भी कर देगा <laughs> बिल्कुल बिल्कुल और ये अक्सर आप जो है अगर आपके शायद सोशल मीडिया पे अकाउंट्स होंगे आपको नजर आएगा की exactly. अक्सर एड्स भी आपके पास आते, आते हैं।, हैं।, हैं कि इस पेज पे आप जो है साइन अप करें हम आपको पांच हजार फॉलोअर्स एक ही दिन में लेजामा बिल्कुल या ऐसा आपको है इतने ज्यादा लाइक्स इतने ज्यादा कॉमेंट्स बहुत से अकाउंट्स खुद कॉन्टेक्ट भी करते हैं स्पेशली uh, अगर हम uh, अपनी इंडस्ट्री की बात भी कर रहे हैं है कहते हैं ए, पचास हजार फॉलोअर्स आपको देंगे चालीस हजार रुपए में यानी वो एक रुपए से भी सस्ता एक फॉलोअर होता है बिल्कुल तो ये पीआर एजेंसीज होती हैं डिफरेंट एजेंसीज होती हैं जिनके पास या तो उन्होंने अक्सर वो स्टूडेंट्स रखे होते हैं जिनके मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं okay. या तो आप किसी को इंटर्नशिप में जो है ज्यादा से बच्चों को ले आते हैं okay. वो आपके अकाउंट्स बना लेते हैं जब वो कहते हैं कंट्री तो इसका मतलब बिल्कुर. है कि उनके पास ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जिन्होंने रखा है मुझे लेकिन बताइएगा क्या सारा मामला ऐसे ही है कोई भी शख्स अगर कॉन्टेक्ट करता है कि आपकी फॉलोइंग बढ़ सकती है आप इतने पैसे खर्च कीजिए तो इसका हंड्रेड परसेंट मतलब यही है कि वो बॉट्स होंगे इसका हंड्रेड परसेंट मतलब यह है वो फेक फॉलोइंग होगी ऑर्गेनिक नहीं होगी प्लीज़ इसको क्लियर कीजिएगा जी अक्सर इसमें यही होता है कुछ इसमें रियल अकाउंट्स होंगे जिनके अकाउंट हजार दस हजार बीस हजार फॉलोअर होंगे चलता है ऑर्गेनिक कैसे पता चलेगा ये ये भी पूछना एग्जैक्टली exactly. जी उसमें डिफरेंट एक तो आपने जिस तरह ये बताया है आ, जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें आप एक अकाउंट को डाल देते हैं उसकी फॉलोइंग की एनालिटिक्स और एनालिसिस जो है हो जाता है okay. और दूसरा ये आप देख भी सकते हैं कि अक्सर जो है फॉर एग्जांपल अगर आप ट्विटर के ट्रेंड पे जाएं एक ट्रेंड हो रहा होगा उसमें आप देखेंगे कि एक ही किस्म का ट्वीट जो है दस पंद्रह बीस yes. सौ अकाउंट ने एक ही ट्वीट किया होगा दूसरा उसमें ये होता है उसमें तस्वीर जो है अक्सर नहीं होती या तो कोई फेक तस्वीर होती है एक झंडा लगाया होगा या फूल लगाया होगा <laughs> तीसरा ये है कि उसमें आप डेट देखें कि कब ये अकाउंट बनाया गया है तो अक्सर ऐसे अकाउंट्स होते हैं वो अगस्त 2020 में बनाए होंगे और एक ही मौजू पे उनके बहुत स्ट्रांग ट्वीट्स किए होंगे या एक पोलिटिकल पार्टी के बारे में या एक ही टॉपिक के बारे okay. में लेकिन उससे भी आपको पता चलता है कि ये अकाउंट एक मकसद के लिए बनाया गया है तो वो मकसद आपको उस पर नजर आए ये तो मकसद की बात हमने कर ली पॉलिटिकल हमने गेंस की बात कर ली शोबिस से मुझे कमेंट कीजिएगा कि हमने देखा खबरें आती हैं जी फलानी अदाकार के पांच मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं ये जो पांच मिलियन के जब एनालिस तो निकलते हैं फेक थोड़ा तो सा मुझे बताइएगा कि ये जितनी भी फॉलोइंग हम देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है फाइव मिलियन फाइव पॉइंट फाइव मिलियन चाहे मायरा खान हो चाहे माया अली होते हैं इनके फॉलोअर्स करो तो इसमें से फेको निकलती है इसका क्या मतलब है ये खुद इन्वॉल्व होते हैं ये खुद खरीदते हैं फॉलोवर्स इस तरह से देखें अक्सर जो सेलिब्रिटीज़ और शोबेज पर्सनालिटीज़ होती हैं इनकी पीआर एजेंसीज इनको रिप्रेजेंट करती हैं okay. जो इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी मैनेज करती हैं और उनका ये काम होता है कि फॉलोइंग ज्यादा करना और दूसरा अगर जब ये मसले में होते हैं सेलिब्रिटीज़ पिछले दिनों भी हमने काफ़ी शोबे पर्सनलिटीज़ के मसाइल देखे हैं सोशल मीडिया पर तो फिर इनकी कैम्पेन्स भी जब होती हैं वो पी hmm. आर होती हैं जिसमें ये अपने बारे में नैरेटिव को इन्फ्लुन्स करने की कोशिश करते हैं